हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव का मतलब होता है आपकी जो साइनोसाइटल है, देखिए ये साइन वेव पूरी है हमारी ना, इसमें ये हाफ वेव, ये फुल वेव है ना, ये पूरी पूरी को हम फुल वेव कहते हैं, इसमें से आधी वेव को ये रेक्टिफाई करते हैं, चाहे आधी पॉजिटिव वाली हो या चाहे आधी नेगेटिव वाली हो, मतलब दोनों में से आधी वेव को रेक्टिफाई करते हैं तो उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। हम फुल वेव एसी दे रहे हो तो हमें आउटपुट पे आधी वेव डीसी मिली हो। जैसे देखें ये फुल वेव यहां से दे रहे हैं, डायोड लगाया हुआ, आगे हमें ये हाफ वेव मिल रहा है, ठीक है, ये अगले वाला वेव नहीं मिल रहा, फिर अगले वाला हाफ मिल रहा साइकिल में से, तो यहां से अगले वाला नहीं मिल रहा, फिर आगे हाफ मिल रहा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर वो होता है जिसमें आपको साइनोसाइडल की हाफ वेव मिलती है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है। तो रेक्टिफायर में एसी इनपुट देते हैं, डीसी आउटपुट लेते हैं, ठीक है। ये रेक्टिफायर में डायोड आप किस तरह लगाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपको पॉजिटिव साइकिल मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। जैसे देखें इस तरह लगा हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव वाला अटेनुएट हो जाएगा, ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, नेगेटिव वाला मिल जाएगा। इस तरह पॉजिटिव अगला खत्म हो जाएगा, अगले साइकिल में से नेगेटिव मिलेगा। ये देखिए प्रॉपर डायग्राम बनाए कि, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में साइनोसाइडल इनपुट दी गई है, आगे डायोड लगाया हुआ ना, हमने डायोड के आगे एक लोड लगाया हुआ, ठीक है। साइनोसाइडल जो हमारी इनपुट है उसका एक सिरा ग्राउंड या नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ, इसी तरह लोड का भी टर्मिनल लगा, हमारा फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन यहां से यूं जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल के अंदर क्या होगा, नेगेटिव के अंदर क्या होगा, ये देखिए। देखिए जैसे हम इनपुट सप्लाई देंगे, अब ये एनोड है, ये कैथोड है ना, एनोड के ऊपर जब पॉजिटिव वोल्टेज दिए जाते हैं तो ये कंडक्ट करता है, ये अपने अंदर में से करंट गुजरने देता है। जब इसके ऊपर नेगेटिव वोल्टेज दिए जाते हैं तो ये कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, ये रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस होता है तो उसके अंदर से फ्लो ऑफ करंट नहीं होता। हाँ, डायोड में एक चीज नी वोल्टेजेस या थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस कंसिडर किए जाते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में देखेंगे 0.7 जर्मेनियम या सिलिकॉन के केस में होते हैं, 0.3। अब ये देखिए पॉजिटिव साइकिल रेड कलर से बताया गया, पॉजिटिव साइकिल में हमने दिया, पॉजिटिव साइकिल ने ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड बायस हो गया, और यहाँ पे हमारे रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट हमें मिल गई, ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट मिल गई। अच्छा ये आउटपुट देखते कैसे हम, ठीक है ना, ये साइकिल दे दिया, यहाँ पे आउटपुट कैसे देखेंगे हम, देखो मल्टीमीटर से तो ये चीजें नहीं चेक की जा सकती, इस काम के लिए हम ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑसिलोस्कोप के ऊपर हम इलादा से लेक्चर बनाया, वो आप करंट ट्यूटोरियल्स में से आपको मिल जाएगा। ऑसिलोस्कोप की इनपुट वाली दो प्रोब्स यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे ये साइन वेव इसको इनपुट दी जा रही है एसी में, ठीक है। जो आप लोड पे चेक करेंगे तो आपको हाफ वेव मिलेगी, है ना, आधा, ये देखिए नेगेटिव वाला कटा हुआ है, फिर आगे नेगेटिव वाला कटा हुआ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इस तरह काम करता है। आपने करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लीजिए, सही है। ये देखिए वही चीज दोबारा बताएगी आपको ना कि आपको पल्सेटिंग डीसी मिल जाती है। अच्छा, इससे आगे फिर कैपेसिटर लगाया जाता है इसको स्मूथ बनाने के लिए।